अस्सलाम वालेकुम। देखो हम आज क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हमें पता है कि हम कैसे जाहिर करते हैं, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या है। हमें पता है कि के इज़ इक्वल टू व्हाट, के हमारे साथ बराबर होता है डेल एक्स बाई डेल टी। ओके, डेल एक्स की यूनिट है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की, ठीक है, मोल पर लीटर, और इट इज़ डेल टी। डेल टी का यूनिट क्या है, सेकंड। देखो ये कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, यानी हम कह सकते हैं कि मोल फॉर डी एम क्यूब, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, हम कह सकते हैं के, ठीक है ना। अब इसकी बात हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि इसकी यूनिट क्या है। अब हमें पहले जानें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हमारे साथ कुछ रिएक्शन है जो कि हमारे साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन है, हमें रूल ये है कि जो रिएक्शन कैटलाइज्ड हो जाता है, जो रिएक्शन मतलब कैटलाइज्ड होता है, मतलब हमारे साथ है ये रिएक्शन है एच आई, हमें देते हैं एच टू प्लस आई टू, ठीक है ना, बैलेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। ये रिएक्शन हमने रिएक्शन करवाया, ये वही रिएक्शन है हमने करवाया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिवर्स रिएक्शन करें वापस H2O2 बट द प्रेजेंट ऑफ गोल्ड, तो फिर ये रिएक्शन हमारे साथ क्या है, फिर ये हमारे साथ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि दो रिएक्शन विच आर कैटलाइज्ड आर बाई एंजाइम इज ऑलरेडी व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम कह सकते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, वो भी हमारे साथ जो वो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। हाँ, हेबर फ्रासिस का रिवर्स रिएक्शन है, वो भी हमारे साथ। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये जो स्लो स्टेप पर भी डिपेंड नहीं करता, क्या स्लो, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप, ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि स्लो स्टेप पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ, तो हमने कहा कि जो है ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है डेल एक्स बाई डेल टी, ये हमारे साथ डेल एक्स बाई डेल टी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट द कंसंट्रेशन। आप अगर हम पहले की बात करें, ए की बात करें, इसके जीरो की पावर का हो, क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा इसके साथ डेल एक्स बाई डेल टी। हमें पता है कि एनी थिंग पावर जीरो इज़ व्हाट, इज वन, ठीक है ना। डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वलिटी, यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं रेट कांस्टेंट के, डेल एक्स बाई डेल टी यहाँ पर हमारे साथ आए के, आपने देखा यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल एक्स बाई डेल टी हमारे साथ के आया, और के की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मतलब ये हुआ कि दोनों की यूनिट सेम हो गई अब यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब यूनिट कैसे सेम हो गई, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, डेल एक्स बाई डेल टी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये हमें पता है क्योंकि डेल एक्स क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब या आर मोल पर लीटर, ठीक है ना। उसके बाद है टाइम पर डिवाइड करता है, तो टाइम सेकंड। इसके बाद है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर हमने बताया कि वो रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो हमारे साथ बस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये स्लो स्टेप पर भी डिपेंड नहीं करते, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप,
ओके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इस तरह किस तरह हम यूनिट निकाल सकते हैं कि डेल एक्स बाई डेल टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आप अगर हम पहले की बात करें मतलब ए प्लस बी, ए और बी रिएक्शन करता है हमें सी देता है, तो अगर हम ए की बात करें तो ये ए की जीरो पावर जीरो आर्डर है ना, तो जीरो पावर को क्या होगा डायरेक्टली रिलेशन होगा और एनीथिंग पावर जीरो इज वन। और अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए ये सिंबल हटाने के लिए तो के आता है और के डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू के और एंड के इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके इट्स डन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, बाकी तो आपको पता होगा लेकिन हम जस्ट रिएक्टेंट इसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर ठीक है, मतलब एक चीज़ रिएक्ट करता है, रिएक्शन में एक चीज़ होता है ठीक है ना। उसके बाद हम डायरेक्टली यूनिट की बात करते हैं डेल एक्स बाय डेल टी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर वन ठीक है ना, इसके फर्स्ट पावर डायरेक्टली। तो डेल एक्स बाय डेल टी हमारे साथ आता है अगर हम यहाँ पर के लगा दें, हमने के लगाया यहाँ पर ए ठीक है ना, अगर हम के फाइंड करना चाहें तो डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू के, तो हम इस पूरे चीज़ को ए से डिवाइड करेंगे ना। अगर हम यहाँ पर इसको हटाते हैं ओनली के लाते हैं रेट का यूनिट पॉइंट करते हैं तो डेल एक्स बाय डेल टी यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ से हट जाए ठीक है ना। तो के हमारे साथ ये गया और डेल एक्स बाय डेल टी का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड ठीक है ना। और व्हाट इज ए, ए का यूनिट क्या है, ए इज कंसंट्रेशन ना, तो ए की यूनिट हमारे साथ है व्हाट, मोल पर लीटर ठीक है ना, मोल क्या है एज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, तो इसका यूनिट क्या है मोल पर लीटर, इसे डिवाइड करना है तो मोल मोल के साथ कट जाएगा और पर लीटर के साथ कट जाएगा, तो के हमारे साथ क्या आया सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बता सकते हैं ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि डेल एक्स बाय डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्या कंसंट्रेशन की पावर के सेकंड पावर ठीक है ना। तो डेल एक्स बाय डेल टी हमारे साथ आता है ए स्क्वायर के ठीक है ना, यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया ए स्क्वायर के ठीक है ना। तो अब हम के हमारे साथ बराबर होगा डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी और इसको डिवाइड करना होगा ए के स्क्वायर से ठीक है ना। के अपनी जगह, डेल एक्स बाय डेल टी का यूनिट हमारे साथ है मोल पर लीटर और ए स्क्वायर है ना, तो ए की यूनिट क्या है मोल पर लीटर होता है ना, ए की यूनिट बस अब बट अब स्क्वायर है तो मोल का भी स्क्वायर होगा और लीटर का भी स्क्वायर होगा, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर ठीक है ना। तो के हमारे साथ एक मोल के साथ कट जाएगा ठीक है ना, एक के साथ कट गया, ये एक मोल यहाँ पर रह गया और यहाँ पर माइनस टू रह गया, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा ठीक है ना। तो ये ऊपर बनेगा एल स्क्वायर एल माइनस वन ठीक है ना, कंसंट्रेशन है ठीक है ना पर लीटर ठीक है ना, और ये ऊपर मोल इनवर्स बन जाएगा ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड इनवर्स है, सारी सेकंड इनवर्स ऑलरेडी मौजूद है ठीक है। तो के हमारे साथ आया लीटर पर मोल पर सेकंड, ये हमारे साथ सेकंड ऑर्डर की क्या है यूनिट है, हमारे साथ मोल लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड ये हमारे साथ यूनिट है। मतलब हमने क्या किया, हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि डेल एक्स पर डेल टी हमारे साथ क्या होगा सेकंड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ना। तो अब हम देखते हैं कि डेल एक्स बाई डेल टी हमारे साथ ए स्क्वायर के बराबर हुआ, तो के हमारे साथ बराबर हुआ, हम के यहाँ पर ठीक है ना, के बराबर होगा, इसको भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, डेल एक्स बाई डेल टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डेल एक्स बाई डेल टी का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड और ए स्क्वायर का यूनिट हुआ मोल स्क्वायर एंड लीटर पर लीटर स्क्वायर, तो एक मोल के साथ कट जाएगा, एक मोल जो रह गया है वो ऊपर चला जाएगा और पर लीटर स्क्वायर था ना तो वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये लीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो एक लीटर स्क्वायर एक माइनस करें हम तो लीटर बनता है पर मोल पर सेकंड, ये सेकंड का रिएक्शन का है। इसके बाद हमारे साथ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर वो भी सेम मेथड है ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि डेल एक्स बाई डेल टी
हमारे साथ बराबर होगा के ए पावर 3, ठीक है ना। तो अब के हमारे साथ बराबर हो गया, डेल एक्स बाई डेल टी हम का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये इसको हम डिवाइड करते हैं किस से, ए का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो इसका यूनिट होगा मोल क्यूब पर लीटर माइनस क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ एक मोल के साथ कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ ऊपर चला जाएगा, तो माइनस मोल माइनस टू बच जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर गया तो मोल माइनस टू बचा, ये तीन थे ना तो एक माइनस हो गए तो मोल माइनस टू बचा, ठीक है। और ये हमारे साथ है एल माइनस थ्री है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस थ्री बच जाएगा, प्लस थ्री से एक माइनस करते तो क्या होता है, प्लस टू बचता है, और सेकंड इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं कि इससे थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट क्या है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट हमारे साथ है एल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ था थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कह सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।